हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट, जिसका सभी को इंतज़ार था और इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है आज। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, मेरी पिछली वीडियोस में मैंने अपनी आपको एक पर्सनल रिकमेंडेशंस भी दी थी कि ऑप्शंस आउट स्कीम्स, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था कि इंस्टीट्यूट इस बात को कंसिडर कर रहा है, और इंस्टीट्यूट ने आज उसको अनाउंस कर दिया है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अनाउंसमेंट की जितनी भी ब्रीफ पॉइंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो मैंने एक ऑन पेपर लिखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऑन पेपर। ये मेरे ऑन पेपर्स पे लिखे हुए हैं पॉइंट्स, और मैंने उन पॉइंट्स को एक तरह से 9 to 10 पॉइंट्स में कैटेगराइज कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंस्टीट्यूट इस एग्ज़ामिनेशन में क्या इन्होंने ऑप्शंस स्टूडेंट्स को दिया है। और कुछ इस बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट्स मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कह रहे थे, सर प्लीज़ गाइड कर दीजिए इस अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग में, बाकी सब कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन क्या इंस्टीट्यूट कहना चाह रहा है आगे के लिए, थोड़ा सा उसको भी थोड़ा सा ब्रीफ उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहला इंस्टीट्यूट ने एक कमिटमेंट डाला है कि एक सिंगल स्टूडेंट्स भी, पहला पॉइंट है इंस्टीट्यूट का, कि अगर इवन सिंगल स्टूडेंट भी अगर एग्ज़ाम देना चाहता है, अगर सिंगल स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएंगे, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंगल स्टूडेंट्स के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। दूसरा पॉइंट है, जिन स्टूडेंट्स ने अपना सबमिट कर दिया था ऑनलाइन एप्लीकेशंस, जिन्होंने भी स्टूडेंट ने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी एग्जामिनेशंस के लिए, उनको अलाउ किया जा रहा है कि ये ऑप्शंस आउट स्कीम्स जो हमने दी है आपको, उनके लिए ऑप्शंस आउट स्कीम्स है। अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं स्कीम्स को, यानी कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट में जो कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दे दीजिए, अदरवाइज़ अगर वो ऑप्शंस आउट नहीं करते हैं, अगर वो ऑप्ट आउट नहीं करते हैं, तो फिर उनकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, और जो भी एग्जम्पशन अगर उनके पास हैं, दे आर हैविंग द एग्जम्पशंस, दैट शुड आल्सो बी कैरी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। राइट, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस और एग्जम्पशंस कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़, इफ़ एनी स्टूडेंट्स वांट टू शिफ्टेड एग्ज़ाम टू नवंबर एंड कैरी फॉरवर्ड देयर एग्जम्पशंस, तो यानी कि यह है कि अगर वो कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अगर अपनी एग्जम्पशंस को और अपने अटैम्प्ट को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है नवंबर 2020, तो ये अटैम्प्ट उसके लिए कैंसिल माना जाएगा, दिस अटैम्प्ट वुड बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड फॉर सच स्टूडेंट्स। राइट है, यानी कि वो अगर ये ऑप्ट आउट स्कीम्स ऑप्ट नहीं करता है, ऑप्शंस ऑप्ट नहीं करता है, तो उसकी एग्जम्पशंस और जो भी उसकी एग्जामिनेशन फीस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और एज़ वेल एज़ ये अटैम्प्ट कैंसिल भी होगा, उस स्टूडेंट के लिए कैंसिल माना जाएगा, ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इफ़ एनी स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन नवंबर साइकिल, दैट मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स नवंबर साइकिल्स में अपीयर होना चाहता है, तो वो अगर दोनों ग्रुप देना चाहता है नवंबर में, अगर वो दोनों ग्रुप देना चाहता है, तो वो पहले ग्रुप्स की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस थी वो उसकी एडजस्ट कर दी जाएगी, और जो सेकंड ग्रुप्स के लिए फ़ीस रहेगी, एप्लीकेबल फ़ीस जो नवंबर 2020 के लिए रहेगी, वो उसको पे करनी पड़ेगी सेकंड ग्रुप के लिए। राइट स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ क्या है, स्टूडेंट्स हु नॉट ऑप्ट आउट एंड विशेज़ टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम शेड्यूल फ्रॉम 29 July 2020, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट ने जो ऑप्शन दिया है, हाँ स्टूडेंट ने जो ऑप्शन दिया है ना, वो अगर ऑप्ट नहीं करना चाहता है वो, और 29 July से जो भी एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट हो रहे हैं उसके लिए वो अपीयर होना चाह रहा है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट मेकिंग ऑल रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी अरेंजमेंट, दैट मीन्स इंस्टीट्यूट पूरी तरह से जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट हो सकते हैं फॉर स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस, लाइक थर्मल स्कैनिंग और लाइक सैनिटाइजेशंस, जो भी हो सकता है वो इंस्टीट्यूट प्रॉपर तरीके से उसको स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम के लिए थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन पूरा प्रॉपर तरीके से स्मूथ कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम को, उसके लिए जो ऑप्ट आउट कर रहा है स्कीम को। ये था फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट, इंस्टीट्यूट ने एक सबसे बड़ा पॉइंट ये डाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूट अगर ऑप्शन स्कीम दे भी देती है, ऑप्शन स्कीम्स अगर इंस्टीट्यूट दे भी देता है, तो उसमें ऐसा कोई ये है नहीं कि एग्ज़ाम
एक तरह से कंडक्ट होगा ही, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन देखो इंस्टीट्यूट ने एक हाउ एवर वर्ड यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, हाउ एवर सिचुएशंस ऑफ पेंडेमिक विल बी रिव्यूड, यानी कि अगर सिचुएशन जो है पेंडेमिक की वो रिव्यू की जाएगी सेंट्रल स्टेट डायरेक्शंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। दैट मीन्स यानी कि कहते हैं कि जो COVID-19 का जो पेंडेमिक्स है हमारा, इसकी सिचुएशंस को रिव्यू किया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस लिए जाएंगे इसके ऊपर, राइट है। यानी कि जो भी जैसा भी सिचुएशंस होगा, अगर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुआ फर्स्ट ऑफ जुलाई ऑफ जो भी आपका है, तो ये आपको जो ऑप्शंस इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस की इनको ऑप्ट कर रहे हैं, ये जो ऑप्शंस ऑप्ट आउट कर रहे हैं उनको भी नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दैट मीन्स ये टोटली एग्ज़ाम कैंसल्ड हो जाएगा, राइट है। फर्स्ट जुलाई 2000 जो भी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जामिनेशन जो भी रहेगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो भी स्टेटस रहेगा COVID-19 का, उसको रिव्यू करने के बाद जो स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट किया था उसको इंटीमेट कर दिया जाएगा और उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा नवंबर 2020, राइट है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेवन्थ पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट जो हाउएवर वर्ड यूज़ हुआ है इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट और ये कहते हैं कि फर्दर कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई विल बी स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट एडवाइजरी। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में हैं उनके लिए बोला है, उन्होंने उनके लिए बोला है कि जो कंटेनमेंट जोन के लिए उनके लिए सेंट्रल स्टेट के लिए सेंट्रल स्टेट की जो भी एडवाइजरी रहेगी उसके हिसाब से चलेंगे। अगर वहाँ पे सिचुएशंस नहीं हुई एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए तो उनको भी नवंबर 2020 के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, राइट है स्टूडेंट्स। इसके बाद सेवन्थ पॉइंट जो इसका है चेंज फॉर सेंटर। स्टूडेंट चेंज फॉर सेंटर के लिए इंस्टीट्यूट अपनी विंडो ओपन कर रही है चेंज ऑफ सेंटर 17th ऑफ जून से लेकर 20th जून तक रहेगी, जो कि 11 बजे से ओपन होगी और 20th जून है उसकी रात को 12 बजे तक वो ओपन रहेगा। तो 17 जून के 11 बजे से शुरू होगा और 20 जून तक रात को 12 बजे तक ये सेंटर ओपन की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट आठवां पॉइंट जो है वो ये लिखा है इन्होंने कि वंस ऑप्ट आउट दैट शुड बी फाइनल। दैट मीन्स दैट शुड मतलब दैट वुड बी फाइनल, यानी कि अगर एक बार आपने ऑप्शन स्कीम को ऑप्ट आउट कर लिया, ये ट्रीटेड कर लिया जाएगा, ये फाइनल है और इसके बाद कोई भी चेंजेस वगैरह होंगे उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद लास्ट जो है नाइन्थ पॉइंट है वो है इंटरमीडिएट वालों के लिए बहुत अच्छा खासा रिलीफ दिया है इंस्टीट्यूट ने। नाइन्थ में ये बोला है इन्होंने कि जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट जिनका लास्ट अटैम्प्ट था इस बार का जुलाई का, वो एक तरह से उनको एक और अटैम्प्ट एक्सटेंड करा दिया उनका नवंबर 2020 के लिए, कि यानी कि नवंबर 2020 के उनके लिए एक एक्सटेंशन दे दिया गया है इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। इन सारी बातों को स्टूडेंट एक तरह से हमने देखा पढ़ा भी, सब तरह से सही है इंस्टीट्यूट ने, मैंने आपको पहले से ही बोला था कि इंस्टीट्यूट इस चीज़ को कंसिडर कर रहा है। बट एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से कैंसिलेशन है। आप सोच के देखिए इस चीज़ को कि ये एक तरह से कैंसिलेशन है या नहीं है, आपका क्या जाता है। आप पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि इस बार का एग्ज़ाम्स अगर आप देने जाते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा ये, राइट है, टिपिकल टास्क है और एक ईजी नहीं है, बहुत ईजी नहीं है कि एग्ज़ाम देना, बहुत ही एक तरह से, एक तो तुम्हें पता ही है सिचुएशंस इतनी वर्स्ट हो रखी है और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप एग्ज़ाम के लिए, तो एक तो इंस्टीट्यूट ने सारे बेनिफिट हमें दे दिए हैं, राइट। तो एग्ज़ाम्स में जाए ना जाए अब तो आपके ऊपर है। अब पहली बात तो मैंने आपको बताया था एग्ज़ाम देना ही बेकार बनता है इस बार का, इस बार एग्ज़ाम मत दीजिए, नवंबर के लिए तैयारी करिए, आपके फेवर में सब कुछ आ चुका है। और मैं आपसे सिर्फ इतना सही कहूँगा, अभी भी सिचुएशंस क्लियर नहीं है, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इंस्टीट्यूट ने एक डाला है, हाउ एवर वर्ड यूज़ किया है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और नवंबर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम मत देने जाइए, मैं आपको बता देता हूँ, राइट। अब जो स्टूडेंट कह रहे होंगे सर तैयारी है हमारी, बहुत अच्छी सी बात है, सो अगर जाना चाहते तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो यही थी, मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आपको। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर गाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू, वेलकम।